अच्छा सुने ना, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो दिए थे मैंने आपको 2 रोज पहले। वो तो खर्च हो गए। क्या करती हैं आप इतने पैसों? आपको क्या हो गया? चंद पैसों का हिसाब मांग रहे हैं मुझसे। दूसरी औरतों के शौहर होते हैं, क्रेडिट कार्ड हाथ में थमा देते हैं कि जाकर जी भर के शॉपिंग कर लो, और एक आप हैं फैक्ट्री में लाखों रुपए कमाते हैं और मुझसे हजारों का हिसाब मांग रहे हैं। कोई हिसाब नहीं मांग रहे आपसे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, ठीक है? लेकिन ना, रोज आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करें, आप मंथली मेरी पॉकेट मनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। ओके, आइडिया बुरा नहीं है, ये भी किया जा सकता है सर। 1 लाख हर महीने। 1 लाख? 1 लाख में क्या होता है? ये तो मेरा पॉलर का और घूमने फिरने का खर्चा हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, कम से कम। Are you in your senses? जी, 5 लाख मांगे, कोई ऐसी रकम नहीं मांगे। बीवी हूँ आपकी, आपकी कमाई पर और आप पर पूरा हक है मेरा। वैसे भी ये अब टके टके के लिए रोज झोली नहीं फैलाऊंगी मैं आपके सामने, और अगर आपसे ये नहीं होता तो बता दीजिएगा, मेरे मायके वाले जिंदा हैं अभी। 5 लाख पे इतनी बातें सुना दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम यार। फरहान, तुमसे काम था। उजाला और बख्तियार, इनकी डिटेल्स चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारी कंपनी के डेटाबेस में होगी, प्लीज पता कर दोगे? हाँ, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हैं आप? मैं आपसे मिलना चाह रहा था, किरण के मुतालिक कुछ बात करनी थी। If you don't mind, हम मिल सकते हैं? Okay, thank you so much. मैं आपको text कर रहा हूँ details. चलें, ठीक है। Allah Hafiz. मैं तो अभी निकला हूँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, वरना मैं तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करता आज लंच पे। इम्पोर्टेंट बात है, भाभी के और उनकी फैमिली के मुताबिक कुछ प्रूफ है मेरे पास, तो आपको मिलकर दिखाने हैं। प्रूफ? I mean, कैसे प्रूफ? कहना क्या चाह रहे हो? भाई, भाभी ने झूठ बोले हम सबसे। उन्होंने अंधेरे में रखे मुझे, हमारी फैमिली को और आपको भी। हम सबको धोखा दिया उन्होंने। मैं तो कहता ही था पहले दिन से कि कुछ गड़बड़ है। आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। जोए, खुल के बात करो, कहना क्या चाह रहे हो? भाई, नवीन की दोस्त ने जो कुछ कहा था ना, वो हर्फ बहर्फ ठीक है। भाभी में कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट नहीं है, और ना ही उनकी फैमिली का ताल्लुक किसी एलीट क्लास से है। उन्होंने बेवकूफ बनाया हम सबको। और जो बख्तियार
मुफ्तियार भाई है। मुफ्तियार भाई कोई फैक्ट्री नहीं है, वो तो एक मामूली सी जॉब करते थे, सरकारी जॉब। आजकल वो फरहान की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब कर, उजाला ने रेफर किया उनको। व्हाट? जी मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ सब कुछ। दोस्तों ने जो कुछ कहा था ना, वो हर्फ बहर्फ ठीक है। भाभी कोई कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट नहीं है और ना ही उनकी फैमिली का ताल्लुक किसी एलीट क्लास से है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हम सबको। और जो बख्तियार भाई है, बख्तियार भाई कोई फैक्ट्री नहीं है, वो तो एक मामूली सी जॉब करते थे, सरकारी जॉब। आजकल वो फरहान की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब कर। सर मीटिंग रूम में आ जाए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। सर क्या हो? मीटिंग रूम में आ जाए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कैंसिल कर दो मीटिंग, मैं काम से जा रहा हूँ, जरूरी था बाद में। जी जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घर किराए के लिए खाली है? नहीं, यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। शूटिंग? जी। अच्छा, यहाँ के मालिक कौन है और कहाँ पे रहते हैं? यहाँ के मालिक तो 10 साल से दुबई में रहते हैं, उन्होंने ये घर शूटिंग के लिए दिया हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अर्सा पहले फैमिली रह रही थी ना? जी जी, वो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिया था 2 महीने के लिए घर, वो अभी कुछ दिन हुआ है गए हैं उनके यहाँ। और कुछ अर्सा पहले यहाँ पर डाका पड़ा। डाका? यहाँ का सिक्योरिटी निजाम तो काफी अच्छा है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
अच्छा मुझे आप उस प्रॉपर्टी डीलर का नंबर ला के दे सकते हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा। पूरे खानदान को इकट्ठा करके तलाक दूंगा मैं इसे। एक नंबर की चालबाज है वो, अरे वो उसका पूरा खानदान, धोखेबाज, गद्दार, मक्कार। शुक्र मनाओ कि वक्त पे जान छूट गई तुम्हारी उजाला से, वरना मेरी तरह सर पीट के रो रहे होते तुम। उजाला ऐसी नहीं है। अरे सब ऐसे हैं यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। हर बात पे यकीन करता रहा मैं उसकी, अंधा बन गया था ना मैं, मोहब्बत में अंधे हो गए थे सरकार, इश्क कर बैठे थे उनसे। वो जो कह रही है मान रहे हैं, जो कह रही है उस पर ईमान ला रहे हैं। सोचा ही नहीं कि वो मैडम तो धोखा दे रही है मुझे। सामने हो इस वक्त, उसकी गर्दन दबोच के पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उसने। चल यार घर चल। अभी कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। हम घर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और सबके बीच में खड़ा करके उस धोखेबाज औरत को तलाक दूंगा मैं। मेरे पूरे खानदान की आंखों में धूल झोंक दी उसने यार, समझती कि अंदर करवा दूंगा सब। हक महर कितना रखा? 2 करोड़। अरे कौन रखता है यार, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। नो 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 नो, आई स्वेयर मैं। किरण ने तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बताया था कि कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट है और टॉप करती रही है। फारिया को कोई गलतफहमी हुई होगी, किरण नाम की लड़कियां तो शहर में हजारों हैं। अम्मी फारिया को कोई गलतफहमी नहीं हुई ना, वो झूठ बोल रही है। बाबा वो तो फौरन भाभी को देख के पहचान गई थी, भाभी अवॉइड कर रही थी उसे, जैसे पहचानना नहीं चाह रही है। पता नहीं क्या क्या जानती है माजी के बारे में भाभी के। मुझे और जुहेब भाई को उसने बहुत अजीब अजीब बातें बताई हैं भाभी की। देखा अम्मी, मैं आपको कहती थी ना कुछ गड़बड़ है, आप लोग सोचते ही नहीं थे इस बारे में। तुम इस वक्त घर? किरण कहाँ है? अंदर होगी। अरे बात क्या है बाबा, किरण कहाँ है? कहाँ होगी, अपने कमरे में होगी, हमारे पास आकर बैठती कब है वो? सरबाप, बाप बात सुनो। सरबाप बात तो सुनो, हुआ क्या है सरबाप? भाई अल्लाह खैर। किरण बीबी आपकी कॉफी। कुछ जल्दी नहीं ले आई, इतना टाइम लगता है एक कॉफी में। रख दो यहाँ पे, बल्कि वहां पे रखो टेबल पे। दरवाजा लॉक करके जाना। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए, आप सब खैरियत है? कहाँ जाने की तैयारी? वो मैं सोच रही थी कॉफी पीने के बाद मामा की तरफ चली जाऊं, आपको बताया तो था। तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, आप थक गए होंगे, अभी ऑफिस से आए, आप रेस्ट करें, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। और कितना झूठ बोलोगे तुम? क्या क्या मतलब, कौन सा झूठ? ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? देख रहा हूं कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे के पीछे कितना मकरूह चेहरा छुपा हुआ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग भी तो ठीक हो गया है मेरा। शुक्र है तुम्हारा असल चेहरा पहचानने में ज्यादा वक्त लगा मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई?
मैं कह रही हूँ हाथ छोड़े। मुझे दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़े। ये क्या, हाथ छोड़े जरबाब, हाथ छोड़े मेरा जरबाब, जरबाब हाथ छोड़े मेरा जरबाब, जरबाब हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। जरबाब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? जरबाब, जरबाब क्या कर रहे हो? बीवी है वो तुम्हारी? बीवी नहीं है ये, डायन है ये, डायन घर खा गई हमारा, धोखेबाज घटिया नहीं जाना था ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे, मुझे इतनी जोर से धक्का देने की, मुझे घसीट कर यहाँ लाने की, तुमने मुझे क्या लावारिस समझा हुआ है? मैं लावारिस हूँ? मेरे घर वाले? अरे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी तरह घटिया है। नाटक किया तुम लोगों ने, पूरा ड्रामा रचाया इस घर में दाखिल होने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मेरा पस नहीं चल रहा तुम्हारा गला दबा के, कोई जा मालूम है। सरबाब हटा, क्या कर रहे हो सरबाब, क्या हो गया? सरबाब औरत पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, औरत कुछ भी कर सकती है? नहीं, कमाल है बाबा, क्या इंसाफ है आपका, वाह बढ़िया। वो जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी बीवी है, माफ कर दो इसे। माफ कर दो, इसका माफ कर दो, ये माफी के लायक है? माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। पूरे खानदान को इकट्ठा करूंगा, पूरे खानदान को, सबके बीच में तलाक दूंगा इसको। नहीं नहीं, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं गलती हो गई, माफी मांग रही हूँ। गलती हो गई, गलती नहीं कहते इसको, गुनाह कहते हैं। प्लीज गो जल्दी, प्लीज प्लीज चलिए। चुप, चल यहाँ से, मैं वरना तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने ऐसी बातें कह रहे, बीवी आपकी। अच्छा, तुम सब जानते हो फिर भी तरफदारी कर रहे हो उसकी? तरफदारी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जानते हो, हमें भी तो बताओ कुछ। अच्छा, जरबाब खुद को संभालो। मैं शर्मिंदा हूं आप लोगों से, मैं माफी मांगता हूं। मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी, इस घटी औरत को अपनाने से पहले मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मैं लाया इसको हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में, हमें तबाह करने के लिए। धोखा दिया इन लोगों ने हमें, ये मकार है, फरेबी है, धोखे बाज है। बताओ तो। एक काम करते हैं, मैडम के घर चलते हैं। नहीं, आप सबको दूसरी गाड़ी में लेकर इनके घर पहुंचे। नहीं, ताकि चल के इनकी असलियत देखते हैं, इनका महल देखते हैं, इनका लाइफस्टाइल देखते हैं। नहीं आंटी, आंटी आप समझाएंगे सर आपको। चले चले बात सुने आंटी, जब आप मेरी बात सुने, मेरे हाथ छोड़ो। बात तो सुने जरबाब, जरबाब प्लीज। मानिको जरबाब प्लीज, मेरी बात सुने, सुने मम्मी तो जरबाब हो जाएगी। जरबाब रुको जाओ। जरबाब ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए हो? ये है इसका घर और ये है इसकी असलियत। ये घर भी इनका नहीं है, ये घर उजाला के बाप का है जो इन लोगों ने कर्जों में डुबो दिया।
जरबाब प्लीज उन्हें समझाना। आप रुक जाइए अम्मी। कौन दरवाजा पीट रहा है? क्या हो गया? कौन है भाई? मैं देखती हूँ कौन है। अरे भाई आ रही हूँ। तमीज नहीं है, दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कौन है? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कब से दरवाजा बजा रहे तुम? अरे प्लीज मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ? मुझे बताओ क्यों नहीं रहा? ये है इन लोगों की असलियत, इनकी औकात। हमें धोखा देकर शादी की इन लोगों ने हमसे। वो डिफेंस वाला घर? अरे वो तो कभी इनका था ही नहीं बाबा। तो माँ के लिए किराए पर लिया था ना, ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ किरण क्यों किया? क्यों धोखा दिया हमें? तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था धोखा देने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए? बोलो जवाब दो। बस चुप। एक लफ्ज और मत बोलिएगा। अब बेगम साहिबा होंगी, अपने घर में होंगी। ये मेरा घर है, ज्यादा रोब मत डालो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है आवाज नीचे। मेरी बेटी की सास है आप, इसलिए आपका एहतराम कर रही हूँ। वरना क्या करेंगी आप? अरे हमें धोखा दिया, हमारी आंखों में धूल झोंक दिया, हम कहीं चढ़ाई करेंगे? आप केस करूंगा आपसे, एक एक को देख लूंगा। तुम क्यों रो रही हो? हाँ मैं मर गई। ये क्या हुआ? ये चोट कैसी है? ये सरबाब ने मुझे धक्का दिया। माँ और इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि सबके सामने मुझे जलील भी किया। तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया? सिर्फ हाथ नहीं उठाया, धक्का दिया और मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और कहने लगे कि मुझे पूरे खानदान के सामने तलाक दे देंगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत? मेरी बेटी को तुम लोगों ने लवारा समझा हुआ है क्या? मर गए उसके माँ बाप, अभी हम जिंदा हैं। 2 महीने हुए शादी को और तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें एक सुलझा हुआ इंसान समझकर अपनी बेटी दी थी, लेकिन तुम वही घटिया आदमियों की तरह निकले जालिम। बीवियों को जर खरीद गुलाम समझने वाले, जब दिल चाहा मार लिया, जब दिल चाहा पीट लिया। तुम सब लोगों से कह मेरी बेटी को इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ, वरना पूरे खानदान को जेल में बंद करवा दूंगी मैं। क्या पर्चा कटवाओगी हमारे खिलाफ? मैं कटवाऊंगी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के खिलाफ, समझी तुम? बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ हमें मिला था आप लोगों को। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ों में बात हो रही है, समझी? चुप। इनकी इतनी औकात नहीं कि इनके मुंह लगा जाए। चलिए मीरा। अरे ऐसे कैसे? अपनी बीवी को इज्जत के साथ घर लेकर जाओ, वरना शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। एक मशवरा दूं आपको आंटी जान, कि जो आप करने का सोच रही हैं, उससे आपका बना बनाया भरम टूट जाएगा, तजलील हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को संभाल के रखिए, तलाक मान जाएगी। सबाब पछताएंगे बाद, मैं अभी कह रही हूँ वक्त है। हम जाए ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। तो सोचना भी मत, सोचना भी मत। ऐसा भी क्या हो गया? मैंने कौन सा आपके साथ बेवफाई कर दी है? एक झूठ ही तो बोला, अपनी हैसियत ही तो छुपाई थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको धोखा तो नहीं दिया?
आपको इस तरह रुस्वा तो नहीं किया सबके सामने? क्यों इस तरह तजलील कर रहे हैं आप मेरी सबके सामने? जरबाब, कल पहली फुर्सत में तुम कोर्ट जाओगे और तलाक के पेपर्स दायर करोगे। मैं अब इस लड़की को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कुछ बोल ना, बोल क्यों नहीं रही? मामा प्लीज ऐसा मत करे, मुझसे गलती होगी, आप समझाएं जरबाब को, समझाते क्यों नहीं? प्लीज बोले, कुछ तो बोले, आपकी भी तो बेटी आप उनके साथ। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी तुम जैसी है, समझी? जरबाब एक मौका दे दे मुझे, मैं दोबारा भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मैं आपकी बीवी हूँ। तलाक नहीं सही? नहीं नहीं सही? नहीं। एक काम करो, नहीं अम्मी के घर पड़ी रहो। और सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी लेने आऊंगा, समझी? चलिए चलिए। जबाब, जबाब प्लीज मुझे इसे छोड़कर मत जाए, जबाब मुझे साथ लेकर जाए, जबाब गलती हो गई मुझसे, जबाब प्लीज, जबाब। किरण, 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 किरण आइए बोलो, साल मारे मार दिया मेरे बच्चे को, साल मारे मार दिया मेरे बच्चे को, पानी लो, किरण आगे बोलो, साल मारे मेरे बच्चे को मार दिया, साल मारे मार दिया मेरे बच्चे को। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। काश तुमने जुहेब की बात सुनी होती। जुहेब ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हमारी अकल पर तो पट्टी बन गई थी ना। अम्मी क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया ना, अब टेंशन लेने का क्या फायदा है? आप रिलैक्स करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया, तो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा? सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमें इतना बड़ा धोखा देंगे। पानी की तरह शादी में पैसा बहाया, इतनी धूमधाम से शादी की है मैंने जरबाब की, किरण की हर फरमाइश हर ख्वाहिश को पूरा किया अपने बेटे की खुशी के लिए। मुझे क्या पता था कि जरबाब के नसीब में ये सब कुछ लिखा है। अब देखे, जो होना था वो तो हो गया ना, परेशान होने से क्या होगा? क्या लोग बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे मुझसे कि तलाक की क्या वजह है, मैं क्या जवाब दूंगी सबको? फिलहाल किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब नौकरों को भी भिनक नहीं पड़ने देना। और फायजा, तुम भी अपने ससुराल में कोई बात नहीं करना। पापा मैं क्यों करूंगी, आप लोगों की इज्जत मेरी इज्जत है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने इस लड़की को पसंद किया था जरबाब के लिए। बहुत बड़ा धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, अकल पे पत्थर पड़ गए थे हमारे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब 2 करोड़ का हक महर भी देना पड़ेगा। पापा कोई जरूरत नहीं उन लोगों को देने की, उन लोगों की शक्लें हैं 2 करोड़ देने वाली। अरे बेटा देना तो पड़ेगा, उसका शरई हक है, और उसकी माँ तो अदालत जाने की धमकी भी दे चुकी है। बाबा उनको धमकी देने के अलावा आता क्या है? बात बात पे तो धमकी देती हैं वो। सही बात है बाबा, आपको उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, और वो लोग इस लायक नहीं है कि अपनी मेहनत की कमाई उन पर लुटाई जाए। और आप जरबाब को भी अच्छे से समझा दीजिएगा। पता नहीं उन लोगों के झांसे में हम लोग आ कैसे गए। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने शायद हम लोगों पे कोई जादू टोना किया है, जो हमें कुछ नजर ही नहीं आया, वरना मैं इस लड़की को नहीं पहचान सकी और इसके झांसे में आ गई। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पूरी प्लानिंग के साथ वो इस घर में कब्जा करने के लिए आई थी। शुक्र करें हमें सही वक्त पर पता चल गया, वरना किरण के साथ साथ उजालों को भी भुगतना पड़ता हमें।
उजाला का जिक्र कहां से आ गया बीच में? सोहेब, तुम्हारे दिमाग दुरुस्त है? वो भी उसी घर और उसी फैमिली का हिस्सा है। लगता है तुम्हारी आंखों से ना अभी तक उसके इश्क की पट्टी उतरी नहीं है। आप ही कहीं तो कोई मौका जाने दिया करें आप। यहाँ इतनी परेशानी चल रही है और आप ताने देने से बाजी नहीं आती। मैं ताने दे रही हूँ? अम्मी, इन दोनों भाइयों को हो क्या गया? पागल हो गए ये दोनों? चुप हो जाओ भाई साहब, चुप हो जाओ। पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। कलेजे में ठंड पड़ गई इसे बर्बाद करके। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूंगी? इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया था, लेकिन तुम माँ बेटी के अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। बस कर दे अम्मा जी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत करें मुझे। अब परेशान होने से क्या फायदा? गलती तो हो गई तुमसे, जिसका कोई मदावा भी नहीं है। कैसे हमारी बच्ची का हाथ पकड़ के अपने घर से निकाला है उन्होंने? लपेड़ा घर करे सर बाप का। मेरी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म किया उसने। अम्मी, किरण का बुखार उतरा? अरे नहीं भाई, ठंडी पट्टियां रखी हैं इसके सर पे, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बख्तियार से कहो सुबह से डॉक्टर के पास लेके जाए। आप फिक्र ना करें बीजान, मैं इसे खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। किरण उठो, शाबाश, सूप पी लो। उठो बच्चे, सूप पी लो। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से कोई बात कर रही है। अल्लाह जाने मेरी बच्ची की खुशियों को किस हासिद की नजर खा गई। आय अम्मा जी, मैं किसको कहूँ, किसका जाके दरवाजा बचाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा ले? किस पीर के पास जाऊं, कहां से तावीज लाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बच जाए? अम्मा जी, जान मत रोए बीजान, मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती, प्लीज चुप कर जाए। ये अफसोस क्या सुने, नदामत क्या सुने, बह जाने दो। इस शादी का तो मुझे अंजाम पता था, नहीं चलने वाली, यही अंजाम होगा। लेकिन मेरी किसी ने एक न सुनी, लेकिन उस औरत ने न अपनी बेटी की परवाह की और न अपने खानदान की इज्जत की। मैं क्या करूं, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि जमीन पट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज हौसला रखें। मुझसे हौसला नहीं हो सकता, मैं उस उम्र पे लोगों की लानत नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। कल जो तमाशा हुआ उसके बाद तो मैं अंदर से टूट सी गई हूँ। मेरे मेरे खानदान में किसी ने एक छोटा सा झूठ नहीं बोला। ये दोनों माँ बेटियों ने अल्लाह से पूछे, पैसे की हवस में
अपनी बेटी को भी बर्बाद कर दी। बेजान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बख्तियार भाई बात करेंगे उनसे, अल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा, किरण का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। नहीं, वो लोग कल कह रहे थे कि उनके घर में अब किरण जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की के लिए कोई जगह नहीं। ठीक कह रहे थे, उनकी जगह अगर मैं भी होती ना, और मेरे बेटे को कोई इस तरह धोखा देता और उससे झूठ बोलता, मैं भी यही करती। झूठ और धोखे की माफी नहीं है बेटा, किरण को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बस भी जान, बस किरण को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बस चुप कर जाए प्लीज। जी डॉक्टर साहिबा, मुबारक हो, आपकी बेटी का टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये माँ बनने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, आप इनको बाकायदगी से दीजिएगा। माँ जितनी हेल्दी और खुश रहेगी, बच्चा उतना ही सेहतमंद होगा। ठीक। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।